I am senior under officer Deepika from Bharti College, NCC Cadet. उन्होंने कहा मैं हूँ चौकीदार. हाँ वो बिल्कुल हैं चौकीदार और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि चौकीदार चोर है एंड ऑल, लेकिन ऐसा नहीं है. चौकीदार रक्षा के लिए होता है और सेफ्टी के लिए होता है और वो उन्होंने की है. वर्ल्ड लेवल पे हम देख सकते हैं मोदी जी को, उनका उनकी जो इमेज है आज वर्ल्ड के टॉप 10 में भी आती है, ताकतवर लोगों में भी आती है. और मेरे ख्याल से इस अगर भारत के लिए प्राइम मिनिस्टर अगर कोई सबसे अच्छे मिले हैं तो वो बेसिक डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं और वो उन्होंने करके दिखाया भी. डेफिनेटली बीजेपी जीतेगी. प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार हैं श्री नरेंद्र मोदी और वो बन के रहेंगे. अगर हमने 60 साल कांग्रेस को दिए हैं तो हम 10 साल 5 साल दिए हैं, 5 साल और सही हम बीजेपी को डेफिनेटली दे सकते हैं और वो पार्टी सत्ता में आएगी. ये चीज़ सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर एक पार्टी और एक नरेंद्र मोदी को लेके पूरा विपक्ष एकजुट है आज, तो वो किस वजह से? क्योंकि उनमें जज्बा है, उनमें जीत की गूंज है और वो जीतेंगे और इसीलिए घबराहट के मारे सारी पार्टियाँ एकजुट हैं आज. सबसे पहले तो उन्होंने यूएन में जितनी भी बार भाषण दिया है या किसी भी देश में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, उससे बेहतर मैं समझती हूँ कोई पर्सन हमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाया. अटल बिहारी वाजपेयी जैसी छवि उनमें है. उन्होंने बहुत अच्छा अदर कंट्रीज़ में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है. दूसरी बात, वर्ल्ड लेवल पे हमारी जो इमेज है इंडिया की वो बहुत अच्छी है. और अगर हमारे देश में बात की जाए तरक्की की, तो तरक्की सिर्फ चंद लोगों में के झुंड में नहीं दिखती है, वो मीडिया में भी दिखती है. और मीडिया में आज हर जगह भारत की बात हो रही है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाए हैं जो आज का युवा चाहता है. बिल्कुल मैं भी चौकीदार हूँ. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर द रेगुलर अपडेट्स.